हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई छबी सर। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आप सभी व्यूअर्स की डिमांड पर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के प्रीवियस ईयर 2022 का फर्स्ट पेपर। यह वीडियो देखने के बाद आप सभी को एक आइडिया लग जाएगा कि पिछले साल पेपर कैसा आया था और इस साल भी लगभग आपका पेपर कैसे आएगा। तो दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आइए शुरू करते हैं आपके प्रीवियस ईयर के पेपर को। तो जैसा कि आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सो लेट्स स्टार्ट द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ बीए फाइनल ईयर, बीए पार्ट थर्ड एग्जामिनेशन 2022 इंग्लिश लिटरेचर। पेपर फर्स्ट है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपका समय 3 घंटे का होगा और मैक्सिमम मार्क्स 50 नंबर के होंगे। सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले आइए नोट पढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स और प्रत्येक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ए बी सी डी ई एफ ये पार्ट्स दिए गए हैं और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है गिव शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ए नंबर में है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी विट्स पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। क्वेश्चन बी डिस्कस ब्रीफली द कंट्रीब्यूशन ऑफ मिराकल एंड मोरेलिटी प्लेज टू द डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा इन इंग्लैंड, यानी इंग्लैंड में ड्रामा के डेवलपमेंट के लिए यानी विकास के लिए मोरेलिटी और मिराकल प्ले का योगदान पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। क्वेश्चन सी राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द प्रीकर्सर्स ऑफ रोमांटिसिज्म, यानी रोमांटिसिज्म के अग्रदूत यानी प्रीकर्सर्स पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। क्वेश्चन डी एक्सप्लेन ब्रीफली द टर्म नॉटी नाइन्टीज, नॉटी नाइन्टीज टर्म पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। क्वेश्चन सी डिस्कस इन शॉर्ट द मेजर ट्रेंड्स इन दिस ट्वेंटीथ सेंचुरी लिटरेचर, ट्वेंटीथ सेंचुरी लिटरेचर में मेजर ट्रेंड्स यानी प्रमुख रुझानों पर एक शॉर्ट नोट लिखिए। क्वेश्चन एफ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द ड्रामा ऑफ आइडियाज, ड्रामा ऑफ आइडियाज पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। तो दोस्तों, ये था सेक्शन ए। क्वेश्चन नंबर 1 में ए बी सी डी ई एफ ये आपके पार्ट्स हैं और इन सभी क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। आइए अब देखते हैं सेक्शन बी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सबसे पहले नोट पढ़ते हैं अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस, कोई भी 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 8 अंकों का है। सेक्शन बी में ये 4 लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनमें से कोई भी आपको 2 लॉन्ग क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आते हों। लेट्स सी डिस्कस द स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेनेशा इन इंग्लैंड, रेनेशा इन इंग्लैंड यानी इंग्लैंड में रेनेशा के प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट राइट एन एशे ऑन द मेटाफिजिकल पोइट्री, मेटाफिजिकल पोइट्री यानी तत्व मीमांसा या आध्यात्मिक कविता के ऊपर एक निबंध लिखिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऑन द लिटरेचर ऑफ रोमांटिक इरा, रोमांटिक काल के साहित्य पर फ्रेंच रिवॉल्यूशन के प्रभाव का वर्णन करिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इन व्हाट सेंस कैन द रोमांटिक मूवमेंट बी कॉल्ड एज द रिटर्न टू नेटिव, सॉरी यहाँ नेटिव नहीं है यहाँ नेचर है, यानी किस मायने में
रोमांटिक मूवमेंट को द रिटर्न टू नेचर कहा जा सकता है। तो ये सेक्शन बी में चार लॉन्ग क्वेश्चन थे, इनमें से कोई भी आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन सी, ये भी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस है। आइए सबसे पहले नोट देखते हैं, अटेम्प्ट एनी टू क्वेश्चंस, इसमें भी कोई दो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क और प्रत्येक क्वेश्चन 8 अंकों का होगा। इसमें भी चार लॉन्ग क्वेश्चन दिए हुए हैं और कोई भी आपको दो लॉन्ग क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। डिस्कस द इन्फ्लुएंस ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द लिटरेचर ऑफ द विक्टोरियन एज, यानी विक्टोरियन एज के साहित्य के डेवलपमेंट यानी विकास, यानी विज्ञान और उद्योग का विकास के प्रभाव का वर्णन करना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्री रेफेलाइट पोएट्री, यानी प्री रेफेलाइट पोएट्री के मुख्य विशेषताएं क्या हैं। लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन, राइट एन एसे ऑन द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल इन द 20th century, 20वीं शताब्दी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस नॉवेल पर एक निबंध लिखिए। लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, यानी पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है, औपनिवेशिक साहित्य क्या है, डिस्कस वर्णन करिए। तो दोस्तों, ये था आपका फर्स्ट पेपर हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का प्रीवियस ईयर पेपर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि पिछले साल पेपर कैसा आया था। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब आप अपने एग्ज़ाम में तैयारी करने में जुट जाइए। तो दोस्तों, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का प्रीवियस ईयर का पेपर कैसा लगा, और यदि आपने अभी तक इंग्लिश बाई छवि सर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक व शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।